वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ओम का नियम। ठीक है, ये 2 नंबर वाले में भी पूछा जाता है और 5 नंबर में भी पूछा जाता है। कम से कम आपको 2 नंबर और अधिकतम 6 नंबर, अगर ऑब्जेक्टिव को भी जोड़ लीजिए तो कम से कम 2 और अधिकतम 6 नंबर इस क्वेश्चन से जरूर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए, ये अगर पूछेगा ओम के नियम से आप क्या समझते हैं तथा ओम के नियम को सत्यापित कीजिए, तो अब ये पक्का 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर सिर्फ पूछ देगा ओम के नियम से आप क्या समझते हैं तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। या ये भी पूछ सकता है कि ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ खींचे, तो ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। ओम के नियम को सत्यापित करने वाले VI ग्राफ को खींचे और उसके उस ग्रुप की प्रकृति लिखे, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर वाले में पूछा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया, बार बार पूछा गया, यानी एक बार में नहीं पूछा गया, बार बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ओम का नियम, ये ऊपर में लिखना है, ओम का नियम क्या है ये इसको समझ लीजिए। देखिए, नियत ताप पर किसी चालक से, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नियत ताप, देखिए पूछा जाता है कि ओम के नियम में क्या नियत रहता है, कौन सा चीज अस्थिर रहता है, तो ताप अस्थिर रहता है। ठीक है, क्या रहता है, ताप, यानी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, अगर हम नियत ताप रखेंगे और उस चालक से अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा क्या होगा, यानी करंट क्या होगा, दोनों छोरों के विभवांतर का क्या होगा, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपाती क्या होता है, ठीक है ये समझ लीजिए। देखिए, P समानुपाती Q, इसका मतलब समानुपाती हो गया कि अगर P बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, अगर Q बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो जाता है उल्टा हो जाता है, अगर P बढ़ेगा तो Q घटेगा, Q बढ़ेगा तो P घटेगा। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती में हो जाता है, लेकिन अनुक्रमानुपाती में दोनों बढ़ता है, अगर P बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, अगर Q बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा। ठीक है, तो समानुपाती अनुक्रमानुपाती समझ में आ गया। तो यही लिखना है कि नियत ताप पर, यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होता है, चालक के दोनों छोरों के विभवांतर का समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती, एक ही चीज आप लिखिएगा। ठीक है, तो ये ओम का नियम हो गया। अब देखिए इसका आगे, यदि चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को हम क्या मान लिए, आई मान लिए, तथा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर को हम क्या भी से डिनोट कर दिए, भी हो तो ओम के नियम से, भी समानुपाती, अभी बोले कि ताप नियत होगा तो विभवांतर क्या होगा, धारा का समानुपाती होगा, तो भी समानुपाती आर, जहां क्या है टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है यानी अचर है। ये हो गया। आगे देखिए, अब ये समानुपाती को हम हटाएंगे तो उसके बराबर उसके बदले हम क्या लेके आ गए, R को लेके आ गए। ठीक है, R क्या है, प्रतिरोध है, तो V बराबर क्या हो गया, आई आर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, V बराबर आई आर, ये फॉर्मूला दे देगा या इसी को लिखेंगे, V बराबर आई आर है। ठीक है, अगर R को इस साइड लाएंगे तो V क्या आ जाएगा, V बटा आई हो जाएगा, बराबर R हो जाएगा। ठीक है, आई इस साइड भेज दिए तो गुना में इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो गया, V V बटा आई होगा। अगर I बराबर निकालेंगे तो R को इस साइड भेजेंगे तो V बटा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये तीनों फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, V बराबर आई आर, आर बराबर V बटा आई, आई बराबर V बटा आर। कभी कभी आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन सत्य है, ठीक है, तो उसमें तीनों ऑप्शन में ये याद रखिएगा, अगर आप भी बराबर आई आर रखते हैं याद, तो ये तीनों आपको ऑटोमेटिक उससे आप निकाल सकते हैं। तो यहां तक तो ये हो गया ओम का नियम। अब इसका सत्यापन देखते हैं। हाँ, यहां नोट में जो लिखे हैं ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। ओम के नियम से क्या स्पष्ट होता है, देखिए विद्युत धारा विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती होता है, भी बराबर आई आर होता है ना, तो विद्युत धारा यानी आई हो गया, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर का समानुपाती, ये दोनों क्या है समानुपाती है ना, एक ही अनुपात में, अगर I बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, अगर I घटेगा तो भी घटेगा, लेकिन विद्युत धारा प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए R बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भी बट्टे आई हो जाएगा, किसका, व्युत्क्रमानुपाती होता है धारा का, क्योंकि धारा क्या है या नीचे है, उल्टा है R के, तो अगर
आई बढ़ेगा यानी धारा बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ये प्रतिरोध और धारा में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाति का संबंध है। लेकिन धारा और विभवांतर में कैसा संबंध है, तो समानुपाति यानी अनुक्रमानुपाति का संबंध है। ये ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, अब सत्यापन को देखते हैं। सबसे पहले ये चित्र को अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, यहां ए जो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा आपको, एमीटर हो जाएगा। यहां भी जो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर हो जाएगा। आरएच जो है ये क्या, परिवर्तनशील प्रतिरोध हो जाएगा। यहां पे हम क्या लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे और यहां क्या, दाब कुंजी लगाएंगे। इतना चित्र बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, चित्र काफी इंपॉर्टेंट है। अब सत्यापन देखिए क्या है कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, चालक तार हो गया, एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, दाब कुंजी, बैटरी, परिवर्तनशील प्रतिरोध इत्यादि को हम चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार जैसे चित्र में दिया है इसे हम सजा लेंगे। और क्या करेंगे, एमीटर को श्रेणी क्रम, एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम बोले कि 6 से 7 नंबर आपको इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। तो ये भी पूछा जाता है, एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चित्र के अनुसार ये चित्र याद रखिएगा। अब आगे देखिए क्या है, देखिए धारा का मान हम क्या करेंगे, बदल बदल कर विभवमापी की मदद से संगत विभव का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे देखिए I1 धारा पे देखेंगे कि विभवांतर क्या है, फिर I2 पे धारा पे देखेंगे विभवांतर क्या है, फिर I3 धारा पे देखेंगे विभवांतर क्या है। ऐसे धारा को हम बदल बदल के विभवांतर हम माप लेते हैं विभवमापी के मदद से। तो यहां लिख लेते हैं, यदि I धारा पर विभवांतर क्या हो, V1 है। यहां पे देखिए I धारा यहां पे दिया हुआ, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस पे हम किसको रखें, धारा को रखें, और एक्स एक्सिस पे किसको रखें, विभवांतर को रखें। अगर आई धारा पे हमको विभवांतर क्या आया, V1 आया, और I2 धारा पे हमको विभवांतर क्या आया, V2 आया, तथा I3 धारा पे हमको विभवांतर क्या आया, V3 आया। तो तीनों विभवांतर और तीनों धारा को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे डिनोट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां जहां ये मिलता है उसको हम मिला देंगे। ठीक है, तो विभवांतर को x एक्सिस पे और धारा को y एक्सिस पर लेकर हम ग्राफ खींचते हैं, और खींचने के बाद हमको ये प्राप्त होता है कि ये सरल रेखा हमको बनेगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या होता है, सत्यापित हो जाता है किसका, ओम का नियम। ठीक है, क्योंकि ये सीधी रेखा हम जा रहा है, अगर I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, I घटेगा तो V भी घटेगा। ये हम क्योंकि हम धारा बदल बदल के इसका हम क्या किए, मान निकाल लिए। I धारा पे हमको क्या आया विभवांतर, V1 आया, और I2 धारा पे क्या विभवांतर आया, V2 आया, और I3 धारा पे हमको क्या आया विभवांतर, V3 आया। और तीनों का जब हम ग्राफ खींचे तो हमको क्या ग्राफ मिला कि सरल रेखा से और क्या कहते हैं मूल बिंदु से ये रेखा गुजर रही, तो इससे क्या हो गया, सत्यापित हो गया। क्लियर, तो यही नीचे हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे कि हमको अगर सरल रेखा खींचते हो तो क्या प्राप्त होता है कि वो मूल बिंदु से गुजरता है, अतः ओम का नियम क्या है, सत्य है। तो इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। और एक दो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिए, अगर पूछेगा कि ओम किसका मात्रक है, तो ओम आपको हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओम मीटर पूछेगा, ओम मीटर, तो ये हो जाएगा आपको प्रति रोधकता का। ठीक है, उसके बाद आपको वोल्ट पूछेगा, वोल्ट हो जाएगा आपको विभवांतर का, विभवांतर का। कूलम हो जाएगा, कूलम हो जाएगा आवेश का, 3 हो गया। उसके बाद आपको हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर ये हो जाएगा आपको विद्युत धारा का। इतना अगर याद रख लीजिएगा तो आपको कम से कम क्या कहते हैं 6 से 7 नंबर जरूर इससे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।